नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फिरोजपुर से आ रही है। फिरोजपुर से 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। यह ट्रेन फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में यहां से रवाना की गई। मालवा क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब सरकार की तरफ से वीरवार को फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से पहली श्रमिक ट्रेन का प्रबंध किया गया, जो कि वीरवार शाम को 1200 यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के 818 किलोमीटर लंबे सफर के लिए रवाना हुई। खास बात यह रही कि इस ट्रेन का संचालन का सारा खर्च 6 लाख रुपए पंजाब सरकार की तरफ से वहन किया गया है। इसके अलावा बाकी ट्रेनों का खर्च भी पंजाब सरकार द्वारा उठाया जाएगा। पहली श्रमिक ट्रेन फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह और DRM राजेश अग्रवाल तथा फिरोजपुर के SSP भूपिंदर सिंह की देखरेख में यहां से रवाना हुई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से मालवा क्षेत्र में फंसे हजारों लोगों के लिए इस ट्रेन का प्रबंध करना राहत भरा कदम है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। लॉकडाउन से मलोट फंसे सी तैसी जिला कानपुर तो है गए, हूँ असी कानपुर वापसी जा रहे हैं। फिरोजपुर तो साड़ी जी मदद, सरकार ने मदद की है, कोई साढ़े तो पैसा नहीं लिता, कोई कुछ नहीं लिता। खान वास्ते सानू टिकट फ्री दिखती गई है, खान वास्ते पूरी व्यवस्था थी, साढ़े देश रूपी पहुँचान वास्ते मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा नाम राहुल सिंह, UP। मेरा नाम अभी अंसार अहमद है और मैं तरन तारण शहर में फंसा हुआ था और अभी मैं UP का रहने वाला हूँ, इटावा जिला का। और DC साहब का जो भी मेरे पास अभी किया हुआ है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनको पहुँचाने के लिए। अभी बहुत सारा प्रदर्शन किया हुआ है, खाना वगैरह सब कुछ दिया हुआ है जी। सर मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मैं यहाँ पर फंसे हुए थे लॉकडाउन में, तरन तारण के पास शहर पड़ता है। हाँ, ये कोरोना की वजह से फंसे हुए थे। हमारे DC साहब ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद की हम लोगों की। हम लोग बहुत सारे बंदे हैं, गरीब बंदे थे सर, कोई काम नहीं था यहाँ पर, इसलिए हमारे DC साहब ने यहाँ पर हम लोगों को फ्री छुट्टी दिया है, खाना भी दिया, पानी आनी सारा कुछ हर व्यवस्था की उन्होंने। उसे थोड़ा हम लोगों को यहाँ पर फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से किए गए अंतक प्रयासों की बदौलत आने वाले दिनों में और ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे अमेठी के लिए ट्रेन रवाना होगी, जिसके बाद शाम 7 बजे गोरखपुर के लिए अन्य ट्रेन रवाना होगी। इसी तरह शनिवार को दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे 2 ट्रेनें विभिन्न जिलों के लिए रवाना की जाएगी। एक बार से पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है। DC SSP तथा DRM की देखरेख में 1200 प्रवासियों को लेकर यह ट्रेन आज कानपुर के लिए रवाना हो गई है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई थी। सभी श्रमिकों को फूड पैकेट, पानी की बोतलें, फेस मास्क भी उपलब्ध करवाए गए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस को लेकर उन्हें जागरूक भी किया गया। सभी यात्रियों को कैंट रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए खास तौर पर बसें भी तैनात की गई थी। एक बार से पंजाब सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। फिरोजपुर के DC कुलवंत सिंह तथा SSP भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में इन श्रमिकों को घर पहुंचाया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो गई है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अज असी हुणे एक
ट्रेन यूपी लई कानपुर लई रवाना कीती है, जिदे विच कानपुर अर्बन, कानपुर रूरल, कनौज, फरुखाबाद, औरैया, इन्हां जिलियां दे प्रवासी मजदूर जो साडे पंजाब दे नौ जिलियां दे विच सन, जिन्हां च मानसा, बठिंडा, फाजिलका, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, तरन तारण, बरनाला, इन्हां जिलों के विचों सारे ये प्रवासी मजदूर जिन्होंने कानपुर जाना सी, इन्हां पांच छे जिलों के विच जाना सीगा, उन्हां नूं लैके फिरोजपुर तो एक ट्रेन हुणे 7:45 ते रवाना हुई है, जिहदे विच 1188 ये मजदूर गए ने। उन्होंने पंजाब सरकार के किए हुए सारे प्रबंधों के उपर, पंजाब सरकार की इस पहल के उपर तसली प्रगट करते हुए खुशी खुशी साडे कोल गए ने। और सानू भी अत्यंत खुशी हो रही है इस गल की कि जो लोग अपने घरां नूं, अपने पिंडां नूं, अपनी स्टेट नूं मिस कर रहे सी, असी उन्हां नूं उन्हां घरां दे विच पहुंचाउण दे विच, उन्हां पिंडां तक पहुंचाउण दे विच सहाई हो रही। फिरोजपुर से रवाना हुई पहली श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों द्वारा भी बेहद खुशी जताई गई। उनके द्वारा पंजाब सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद किया गया। आपको लाइक और दिखा रहा हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।